आज हम चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 ये चैप्टर जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं वो 9th में भी है, मेन सेशन में 12th में भी है। तो पहले हम सिंपल फिगर्स ले रहे हैं 3D, ये 3D बोला जाता है। 3D इसको क्यों बोलेंगे आप, इसे 3D थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन कौन है इसमें, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। इसे एक इसकी फिगर है, क्यूब की है। ये कौन सी फिगर है, क्यूबॉइड है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम ए से डिनोट कर देते हैं। सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसमें लेंथ अलग होगी, विड्थ अलग होगी, हाइट अलग होगी। जैसे आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट ये अलग अलग होगी। जैसे ये साइड मान लो लेंथ डिनोट कर रही है, ये वाली आपकी विड्थ बी से डिनोट कर रहे हैं और ये वाली आपकी एच हाइट से डिनोट कर रहे हैं। जैसे आपके पास ये है, ये क्यूब है आपका, तो यहाँ से देखिए लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और हाइट, तो थ्री डायमेंशनल बोली जाएगी। तो अब हम इसमें निकालेंगे इसके फॉर्मूला। तो इसका सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या होगा, हर फेस इक्वल होगा। ये 6 फेस होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, एक टॉप का, एक बॉटम का, ये सब स्क्वायर है। तो इसका जो एक होगा CSA और इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 4A² लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 4A² क्यों लिखेंगे, एक फेस है स्क्वायर, तो A² चार वॉल्स हो गए कि नहीं हो गए, फोर वॉल्स। एक बॉल कैसी है, इसका एरिया A² फिर A² फिर A² A² फोर बॉल्स। कर्व क्यों बोला, क्योंकि टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा सेप है, कर्व है तो कर्व सरफेस एरिया CSA, लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और इधर देखिए, आगे थोड़ा सा इसे मूव करते हैं हम, इसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, TSA, टोटल सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया, 6A², कितने फेस हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए, 1, 2, 3, 4 फोर बॉल्स, बेस, टॉप, 6A² वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम हम साइड इनटू साइड तो वॉल्यूम को बी से डिनोट कर देंगे, ए क्यूब वॉल्यूम। अगर ये देखिए, अगर ये हॉलो है तो इसमें कितना लिक्विड आएगा, कितना इसमें एयर आएगी, सॉलिड है तो उसका वेट कितना होगा, मास क्या होगा, वेट क्या होगा, या स्पेस में वो कितनी जगह घेरता है तो ऑक्यूपाइड करता है स्पेस को, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम निकाल दिया। अब हम क्यूबॉइड की तरफ देखेंगे, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में भी क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो अब इसका हम लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या फोर बॉल्स एरिया निकालेंगे। फोर बॉल्स का एरिया क्या आएगा, 2 × L + B × H। जब भी हम क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड आपका जिसमें लेंथ अलग होगी, विड्थ अलग होगी, हाइट अलग होगी। जैसे ये बुक है हमारे पास, तो बुक में क्या है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग है उसमें, तो इसलिए हमें थ्री डायमेंशनल है, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। जिस हम रूम में बैठे हैं इसमें फोर बॉल्स हैं कि नहीं, तो इसका फोर बॉल्स का एरिया 2 × L + B × H आएगा। और इसका टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया, 2 × L × B × H, इसमें कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए ना, 1, 2, 3, 3, 2 या 6, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे आपका एक है, एक फेस है ना ये वाला, वैसा ये है, डबल डबल हो गए कि नहीं हुए, एक का L × B, L × B। जैसे ये आपका रूम है, ये जैसे आप लेंगे इसको, जैसे अगर मान लो क्यूबॉइड है तो इसका क्या आएगा, L × B, इधर का भी L × B, ये B × H, इधर का भी B × H आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ L × B, यहाँ L × B, तो डबल बन गया टोटल सरफेस एरिया में, ये आपका आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम
किसकी बात हो रही है, टी वाई टी एल बी इंटू एच, इसे बी से भी डिनोट कर देते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट को ए कर देते हैं। तो देखिए आप, जैसे आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया क्यूब का कितना आएगा, बेस एरिया क्यूब का बोलो, बेस एरिया क्यूब का एक ए स्क्वेयर आएगा और इसकी हाइट मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम निकालने के लिए बेस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से, तो ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब आया। रेक्टेंगल का क्या आएगा, क्यू वाइट, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर फिगर है ना, क्यू वाइट का बेस कितना आएगा, एल इंटू बी और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी तुम्हें किसी का वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया। और अगर आप इधर से देखेंगे, क्यू हो गया, क्यू वाइड हो गया, तो ए आपका यहां से ए फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड आ गया। अब हम थर्ड और फोर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, आपने पढ़ रखे लेकिन वो फिर हम थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आपका थर्ड है स्क्वेयर, स्क्वेयर में क्या आएगा, स्क्वेयर में लेंथ भी इक्वल आएगी और विड्थ भी इक्वल आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, सारी साइड्स इक्वल आएगी, ये स्क्वेयर है तो इसका एरिया पूछा जाएगा तो क्या आएगा, साइड इनटू साइड, तो हम इसे ए स्क्वेयर लिख देते हैं, वेरी गुड। और इसकी पेरीमीटर पूछी जाएगी, पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर, चारों साइड इक्वल है तो चारों का सम कर दो, चारों का सम इकट्ठा कर दीजिए तो 4a, 4 इनटू साइड, हैव यू गॉट इट। ये फोर्थ फिगर आती है आपकी, क्या रेक्टेंगल, क्या आती है रेक्टेंगल ले लो, ये क्या थी अभी इससे पहले, ये स्क्वायर थी, ये क्या थी बोलो, स्क्वायर। रेक्टेंगल में लेंथ होती है, विड्थ होती है, तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया सीधा एल इंटू बी, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री, बाउंड्री सम ऑफ द ऑल साइड्स, सम ऑफ द ऑल साइड्स, तो एक एल दो एल और बी टू बी, तो पेरीमीटर इसकी क्या आएगी, पेरीमीटर को पी सी नोट कर दो, टू इंटू एल प्लस बी, समझ में आया, टू एल आएगा ना और क्या आएगा, टू बी आएगा, तो टू कॉमन ले लो तो क्या बचा, एल प्लस बी, ये बाउंड्री आ गई कि नहीं आ गई सबके, तो इस तरीके से फोर्थ वाला हो गया, एवरीबॉडी। अब इसमें कुछ आप ये टू डायमेंशनल बोली जाएंगे, टू डी है, ये कौन सी फिगर है बोलो, टू डी टू डायमेंशनल क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ है और विड्थ है ओनली और इसमें हाइट नहीं है, टू डी में बोली जाएगी। अब यहां से देखिए थोड़ा सा और मूव करते हैं, और मूव करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। अब हम यहाँ पर फ्लिप वाला पार्ट लेंगे, इसमें ट्रायंगल ए भी जरूरत पड़ेगी, तो ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, इसमें ये बेस होगा, ये हाइट होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एरिया इसका आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर बी किसके लिए है, बेस के लिए है, एच किसके लिए है, हाइट के लिए है। अब एक जो ट्रायंगल आपका आ सकता है फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड जो टाइप होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होंगी तो इसका जो एरिया आएगा, तो एरिया रूट थ्री अपॉन फोर इंटू ए स्क्वेयर, ये यहाँ पर आपकी क्या साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके आगे बढ़ने से पहले आपको कितने नंबर हो गए आपके यहाँ पर, फाइव हो गया। अब हम सिक्स देखेंगे, सिक्स नंबर पे हम ले रहे हैं सर्कल, ये भी आपके काम आएगा, तो सर्कल है सिक्स नंबर पर, तो यहाँ पर सर्कल भी काम आएगा, तो सर्कल में क्या आएगा आपका, ये सर्कल में ओ ए, ये रेडियस आ गया, क्या आ गया,
रेडियस OA, इसे R से डिनोट कर दिया, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। और फिर हम इसे यहाँ पर डायमीटर भी ले सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर AOB, ये AOB, AOB किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। और डायमीटर को किसे डिनोट करते हैं, बोलो, D से डिनोट करते हैं, तो हम इसे डी भी लिख सकते हैं और डायमीटर भी लिख सकते हैं। रिलेशन डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 2R होता है, और R इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन 2। एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का सिंबल है पाई आर स्क्वायर। एक आता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसे पाई डी भी लिखते हैं, और सर्कमफेरेंस को 2πr भी लिखते हैं। अगर डायमीटर दिया है तो पाई डी से कैलकुलेशन करेंगे, और अदरवाइज 2πr हम लेंगे। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब है बाउंड्री ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जो बाउंड्री है उसको। तो यहाँ पर हमने सर्कल भी खत्म कर दिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, सर्कल हो गया। अब हम फिगर लेते हैं यहाँ पर सिलेंडर की। अब हम यहाँ पर सिलेंडर की बात करेंगे, तो कौन सा नंबर है, 7th है। अब हम सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर यहाँ पर लेंगे। अब हम बता रहे हैं सिलेंडर, सिलेंडर ये आपका फिगर बना हुआ है। सिलेंडर क्या है, जैसे आपका सिलेंडर है तो ये कर्व सरफेस एरिया, जो पेट है इसका लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, टॉप का एरिया वो भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ये आपका सर्कल है। और सर्कल को जैसे आपको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, सिलेंडर को आपको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनेगा, जैसे जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमारी बात को सुनना, ये हर को नहीं बताएगा, रेक्टेंगल को तुम स्पेस में घुमाओगे तो सिलेंडर बन जाएगा। रेक्टेंगलर, रेक्टेंगल को कहाँ घुमाओगे, स्पेस में। अगर हम रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर दें तो ये बन गया आपका सिलेंडर, क्या बन गया, सिलेंडर। एक कर्व सरफेस एरिया है या फिर लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए इसके बारे में, ये तो आपकी हाइट हो गई। राइट सर्कुलर क्यों बोला जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल। जैसे अभी हमने आपको एक रेक्टेंगल लिया था, ये रेक्टेंगल में क्या है, राइट एंगल है। अब इसको हमने स्पेस में घुमाया तो राइट एंगुलर सर्कुलर बना कि नहीं बना, तो अब इसमें क्या होगा, आपकी ये हाइट हो गई, ये यहाँ पर इसको रेडियस, और ये पूरा लेंगे तो डायमीटर है, डी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर सिलेंडर की बात हो रही है, तो बेस एरिया, बेस एरिया कितना आएगा, जितना सर्कल का एरिया होगा, बेस इसका सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अभी हमने डिनोट किया था, डिफाइन किया था। और बेस सर्कमफेरेंस इसकी, बेस सर्कमफेरेंस 2πr, या फिर CFB लिख देते हैं सर्कमफेरेंस को पाई डी, जब डायमीटर दिया होगा तब। तो डायमीटर का रिलेशन क्या बोला था हमने, 2R, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। अब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम हमने क्या बोला था, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई ऐसे कर दो तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अगर ये हॉलो है तो इसमें कितना लिक्विड आएगा, कितना एयर आएगा, कितनी एयर कंटेंट करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। सॉलिड है तो इसका मास कितना होगा, वेट कितना होगा। अब आता है यहाँ पर एक चीज आती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको TSA भी लिख देते हैं, TSA। तो इसमें क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, CSA कितना होगा इसका, 2πrh, CS कितना होगा, 2πrh, लेटरल सरफेस एरिया 2πrh, और ऊपर का जो सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर, नीचे का है पाई आर स्क्वायर,
दोनों मिलकर के 2 पाई आर स्क्वायर आ गए, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर इसमें डी एस ए टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एन प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। इस तरीके से हमने किसको एक्सप्लेन किया, इसको हमने सिलेंडर को एक्सप्लेन किया। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कौन को, अब हम इसका लास्ट इसका जो फिगर ले रहे हैं कौन है, तो ये एल होता है स्लाइड हाइट, ये यहाँ पर रेडियस होगा और ये यहाँ पर हाइट होगा। एच इसलिए होगा हाइट के लिए और एल होगा स्लाइड हाइट के लिए और आर होगा रेडियस के लिए। अब यहाँ पर जैसे आपका ये कौन है ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम घुमाएंगे स्पेस में तो बनेगा क्या कौन, जैसे राइट एंगल है ये राइट एंगल है, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको एल ले लेंगे, ये एच ले लेंगे, ये रेडियस हो जाएगा। स्पेस में इसे घुमाएंगे तो ये फिगर इधर भी आएगी, ये क्या आ जाएगा रेडियस, ये स्लाइंट हाइट आएगी, स्लाइंट हाइट आएगी, तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ एल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें इसे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हमने क्या बोला था बेस एरिया, तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, जैसे कौन है कौन का बेस क्या है पाई आर स्क्वायर और हाइट इसकी एच, तो वॉल्यूम कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, मतलब इसके जो पेट का एरिया है कर्व है इसलिए कर्व बोलेंगे सी एस ए, इसका जो पेट का एरिया वाइट पार्ट का पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कौन का, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये क्या है पाई आर एल है, क्या है पाई आर एल और ये पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसमें प्लस कर दिया, तो ये आ गया पाई आर कॉमन ले लो, तो एल प्लस पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसका बेस सरकम, बेस सरकमफेरेंस क्या आएगी, बेस सरकमफेरेंस 2 पाई आर, क्यों सर्कल है ये, क्या है बोलो सर्कल है, तो 2 पाई आर आ गया। अब एक आपका यहां से अब इसमें आपका कौन सा नंबर था, अब हम 8 नंबर पे और 9 नंबर पे यहाँ पर अब हम स्पेयर और हेमिस्फीयर की बात करेंगे। स्पेयर स्पेरिकल में क्या होता है, जैसे आपके पास बॉल है ये स्पेयर है, तो ये जैसे स्पेयर ही बना हुआ है, अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है रेडियस, ऊपर भी जाएगी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सेंटर हो गया। अगर इसकी जो हाइट होगी स्पीयर की जो हाइट होगी वो डायमीटर की इक्वल होगी, डायमीटर कितना होगा 2r होगा, ये हाइट होगी किसकी होगी स्पीयर की, सॉरी स्पीयर की हाइट क्या होगी h होगी, स्पीयर की हाइट उसके डायमीटर की इक्वल होती है, तो वॉल्यूम इसका आएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्लोज फिगर है, क्या है क्लोज फिगर है। अब हम हेमी स्पीयर की बात करेंगे, तो हेमी स्पीयर में क्या आएगा, हेमी स्पीयर में लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये आ जाएगा हेमी स्पीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका आएगा, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इसका कितना है, इसका वॉल्यूम 4/3 है, तो 2/3 पाई आर क्यूब आधा ये रह जाएगा। जैसे आपका ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में क्या आएगा, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल में क्या है आपका ये हेमिस्फीयर का, ये ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो एक कर्व हो गया, पाई आर स्क्वायर ये 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसलिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट
सारे फॉर्मूलास मेंस्ट्रुएशन के आपको इस वीडियो में बनाए हैं, लिखे हैं, समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।